बादशाह जो भी रैपर्स है वो शायद दे गॉट फेमस बिकॉज ऑफ हाई हील, लाइक हनी सिंह देखो हाई हील लिपस्टिक उसके वजह से फेमस हुआ होगा. अभी शायद हनी सिंह को कुछ और के बारे में लिखना है. वो शुरू में हनी सिंह भगत सिंह के रैप्स लिखते थे. बादशाह पीते नहीं है पर उसका सारे गाने क्या है शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, पर उसके ऑडियंस के सामने उसके नजर गिर जाएगा ना अगर बादशाह अभी नए शॉर्ट्स पे नए इनमें चाय के बारे में गाने लिखे. ये दारू बोतल लड़की विस्की छोड़ के मैं अभी चाय के बारे में गाने लिखेंगे तो उसका ऑडियंस उसके छोड़ के जाएगा. वो एक बहुत एक स्ट्रगल होते हैं आर्टिस्ट के लिए कि ये मेरा ऑडियंस है उनको ये सुनना है ये छोड़ के मैं इसमें जाऊँ. वो एक मोमेंट होता है सब आर्टिस्ट के लाइफ में होगा. आई से इवॉल्व चेंज बदलो बदलो आप जस्ट आई फील बहुत लोग रिलेटेबल बनने में बहुत कोशिश करते हैं आज तक इंस्टाग्राम में देखो मैंने मेकअप नहीं पहना मैं रिलेटेबल बनने से बेटर जेन्युइन बनो अपने ट्रूथ से स्टे ट्रू टू हु यू आर. बस रिलेटेबल बनने का कोशिश मत कीजिए जस्ट बी ट्रू टू हु यू आर. सो एनी वे आई डाइग्रेस. इस सब के बीच में ये स्टेज में मैं गाना गा रहे थे थोड़ा पॉपुलर हो गया और एक एनजीओ था नॉट फिन एनजीओ कलेक्टिव हु आर नाउ कॉल्ड वेटीवेयर कलेक्टिव. वो कलेक्टिव मेरे पास आके बोला आपको स्टेज पे देखा आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं बोलने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो हम देंगे आपको प्लेटफॉर्म. आई सेड वाओ दैट्स अमेजिंग बिकॉज आज तो फोन पे प्लेटफॉर्म सबको मिलता है तब तो स्टेजेस बहुत कम थे. एक आर्टिस्ट इवन नाउ स्टेजेस बहुत कम है अब कोविड के बाद आर्टिस्ट को स्टेज ही नहीं मिल रहा है तो एक स्टेज मिलना बड़ा 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 चीज़ था आर्टिस्ट के लिए. और उन्होंने बोला हम देखो हम एक वी बिलीव इन एडवोकेसी हम तो इस स्टेज में बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं. और उस साल वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करने वाले थे और उन्होंने बोला ये लो सारा डेटा अगर तुम्हें इफ़ यू वॉन्ट एक गाना लिख लो अबाउट द इशू. तो भोपाल ट्रेजेडी के बारे में हम तो पढ़ा था पर जब विक्टिम से मिले हम वो डेटा देखा वो इमेजेस देखा डॉक्यूमेंट्रीज देखा तब एक दूसरे इमोशन आ गए मन में. तो मैंने बोला हाँ हाँ कुछ लिखेंगे. तो हमने क्या किया बहुत फन थिंग किया हमने एक रैप बैटल किया क्योंकि उस साल क्या हो रहा था डाउ केमिकल्स जो कंपनी है दैट बॉट ओवर यूनियन कार्बाइड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी डाउ केमिकल्स जो कंपनी है वो अभी भी इंडिया में दे आर कंडक्टिंग बिजनेस चला रहे हैं इंडिया में. एवरेडी बैटरीज भेज रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स भेज रहे हैं बहुत बहुत काम हो रहा है डाउ केमिकल्स का इंडिया में. तो उस साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डाउ केमिकल्स कुछ 11 लाख रुपीस का पैकेज दे रहा था. ये तो 2007 में था. तो हमने एक कैंपेन किया कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से जाके बोलेंगे कि बॉयकॉट डाउ डोंट वर्क फॉर डाउ. तो अगर वो प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में आएंगे तो आप उनको बॉयकॉट कर दीजिए. और ये इन्फॉर्मेशन कैसे दिया हमने एक रैप बैटल किया. मैं बन गई भोपाल और मेरा को रैपर बन गया डाउ केमिकल्स और हम बैटल कर रहे हैं पर वो फिक्शनल बैटल था. और ऐसे था कि डाउ बोल रहा है कम 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 वर्क फॉर मी मेरे लिए कम वर्क फॉर मी क्योंकि डाउ का तब का स्टेटमेंट क्या था ये कितने सालों पहले का बात है अब फिर से इसी बात कितने बार बोलोगे लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स जाने दो जो हुआ सो हुआ. पर भोपाल बोल रहे थे नहीं नहीं हम कैसे बोल सकते हैं. सो दिस इज मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा परफॉर्म कर लूंगी. इट्स कॉल्ड डोंट वर्क फॉर डाउ. मैं बनी थी भोपाल ऑब्वियसली आई वांट बी द गुड गाय. But fool, the fight ain't done at all. Years ain't quite the matter no more. This ain't roadkill, that's still taking its toll. There's water everywhere, corroded in the copperware. It's so polluted, get deluding, slaughter hasn't ended. Feels a mess and meals a less. And nevertheless, you don't seem to care. The worst effects are the birth defects that still affect even the third generation. Don't get swayed, come on people away. Keep this evil
miles away from murdering a nation. Say, don't work for down. Say, no more. Send this industry now. Sing, don't work for down. Sing, no more. In this industry now.